सर्वोदया हॉस्पिटल फरीदाबाद द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से हिमाचल के छोटे से शहर हमीरपुर से अरुण कुमार का सीवियर हीमोफीलिया ए से ग्रसित होने पर सफल कूल्हा प्रत्यारोपण हुआ, जिसके बाद मरीज 3 महीनों बाद बेड से उठकर बिना दर्द के चल पाया। ये उत्तर भारत का इस प्रकार का पहला केस है, जिसकी सफलता का श्रेय सर्वोदया हॉस्पिटल के कैंसर इंस्टीट्यूट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता और जॉइंट रिप्लेसमेंट विभाग के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार भट्टाचार्य जी और उनकी टीम को जाता है। आपको बता दें कि अरुण कुमार जन्मजात हीमोफीलिया ए से पीड़ित थे। इस बीमारी में किसी इंसान के चोटिल हो जाने पर खून का थक्का नहीं जमता और बार बार ब्लीडिंग होने से कुछ मामलों में जॉइंट्स खराब हो जाते हैं। इस मरीज की भी कूल्हे में परेशानी और दर्द बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो पिछले 3 महीने से बेड से नहीं उठ पाया था और वो असहनीय दर्द से पीड़ित। कैंसर इंस्टीट्यूट के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने बताया कि मरीज की जांच के बाद पता चला कि वो ब्लड के फैक्टर 8 की कमी से ग्रसित है और जिसकी वजह से कई जोड़ों के अंदर रक्त स्राव होने लगा है। ऐसी अवस्था में छोटी सर्जरी करना भी एक बड़ी चुनौती होता है। मरीज के हॉस्पिटल में एडमिट होने के 14 दिन तक उसके ब्लड फैक्टर्स को कृत्रिम ब्लड फैक्टर्स की मदद से बढ़ाकर सामान्य स्तर तक लाया गया। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान भी उसके थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए जरूरी इलाज जारी रखा गया। देखिए, मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी चैलेंज जो है हीमोफीलिक पेशेंट्स में जॉइंट चेंज करने का समय जो होता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है टेक्निक को। आम जनता में जैसे हमने रिप्लेसमेंट करते हैं, इसको मॉडिफाई करके हम शॉर्ट छोटे समय में करने की कोशिश करते हैं, कम से कम 6 लगते हैं। और इनको जो होता है, हमने बहुत सारा अपना देखिए एक्सपर्टीज जरूरी होता है, कहीं इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड वेज में हम नहीं कर सकते, कहीं वो छोटा खुलने की वजह से हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता है, फिर दिखाने के लिए खुद ज़्यादा खून बह रहा था उसमें बहुत ज़्यादा, तो उसमें हमने बिना सीमेंट वाला इनको कूलर डाला गया, जो इनके लिए बहुत सही है। करीब 35-40 साल तक ये कूलर इनको चल जाना चाहिए इनको। आप देखिए, बिना सार के चल रहे हैं, लच भी नहीं है इनके पैर में, दोनों पैर बिल्कुल बराबर है। तो ये सारे एक्सपर्टीज़ होता है जो हम इसलिए कर पाए कि हमारे हॉस्पिटल में सारे सुविधाएँ, वहाँ डॉक्टर फरहान ने हमें एक ऐसा सिचुएशन बना के दिया। डॉक्टर फरहान ऊटी में भी मौजूद थे, हमारे पास ऊटी में भी फैक्टर 8 भी मौजूद थे, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता तो शायद वो देना पड़ता, तो हमने बहुत जल्दी करने का वैसे ऊटी में हमें खून भी चढ़ाना पड़ा, लेकिन फैक्टर 3 ही चढ़ाना पड़ा, लेकिन बाद में रिकवरी भी पेशेंट को बहुत अच्छे से हुआ है, इसीलिए अच्छे से उनको बहुत अच्छे से मॉनिटर किया। एक्चुअली कहना ये टीम वर्क, ये ऑपरेशन करने से भी नहीं होता, उसका बाद में भी ऑपरेशन करने का 2 हफ्ता से तैयारी चालू होता है, ऑपरेशन करने का बाद में भी 2 हफ्ता तक के चलते हैं, इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होती है इस तरह से। तो पेशेंट ठीक है? हाँ, देखो बिल्कुल सही है, कोई इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, हमने स्टिचलेस किया था, कोई स्टिच नहीं लगा था, एवरीथिंग वेंट वेरी वेल। आगे भी खतरा बना रह सकता है इस बीमारी का? देखिए, उस जॉइंट में नहीं रहेगा, वहाँ पर नहीं रहेगा, बाकी अगर ठीक है उसी जॉइंट में कुछ नहीं होना, वो बहुत अच्छा से इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब वो नॉन सीमेंटेड है, वो एक बार पकड़ लिया, एक्चुअली जॉइंट पे ऐसे ही होता है, एक बार आपको जॉइंट पकड़ लिया, शरीर एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में आपको क्या दिखा। हमारे पास अरुण आया था जिसको हीमोफिलिक आर्थ्रोपैथिक जॉइंट था, मतलब हीमोफिलिया एक ऐसी खून की बीमारी होती है जिसमें खून जमता नहीं है, जिसमें फैक्टर 8 डिफिशियंसी होती है, उसकी वजह से अरुण का जो हिप जॉइंट था वो पूरी तरह से गल गया था। डॉक्टर सुजॉय सर ने अपनी एक्सपर्ट टेक्निक से जो सर्जरी 1.5 घंटा चलती है उसे 15 मिनट में फैक्टर करेक्शन जो डॉक्टर फरहान ने हम लोगों ने मिल के करा उसको करके इसको एक अंजाम दिया। आज करीब 3 महीने बाद अरुण जब हमारे पास दूसरी बार आया है तो बड़ी खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ कि सर्वोदय की टीम ने, हिमेटो ऑनकोलॉजी प्लस ऑर्थोपेडिक्स की टीम ने आज अरुण को चला दिया है। अरुण अपनी गाड़ी खुद चला पा रहा है, अरुण को कोई दर्द नहीं है और एक रेयर फीट अकम्प्लिश करा है। शायद इंडिया में 4 या 5 ही डॉक्यूमेंटेड केस रिपोर्ट्स हैं और शायद नॉर्थ इंडिया में पहली बार ऐसी सर्जरी कर पाई है जिसमें एक मल्टी मोडालिटी अप्रोच से एक इंस्टीट्यूट ने जो सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद ने अचीव करा है कि एक बच्चे को एक तरह से एक नया जीवन दिया है जहां वो व्हीलचेयर से उठ के शायद आज अपनी पूरी जीविका निभा पा रहा है। सर, वजह क्या बनी इस बीमारी? ये एक फैक्टर 8 डिफिशियंसी है जो एक बचपन से कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है जिससे खून जम नहीं पाता है, उसकी वजह से जो बड़े जॉइंट्स होते हैं वो लगातार ब्लीडिंग की वजह से डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनको रिप्लेस करना पड़ता है। मगर जब इतना फैक्टर की डिफिशियंसी है कि आप चीरा लगाते ही खून लॉस ना रोक पाएँ तो उसको बड़े ही सहज ढंग से एडमिट करके फैक्टर्स को कृत्रिम रूम से दे के उतना ज़्यादा उसको कंट्रोल करना पड़ता है कि वो सर्जरी के लायक हो पाए, जो एक काफ़ी ही जटिल काम है। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मल्टी मोडालिटी अप्रोच चाहिए, एक बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए जो डॉक्टर सुजॉय भट्टाचार्य जी की वजह से आज हम लोग कर पाए। जैसे चलन जाता था टांग में दर्द होती थी। अच्छा, तो पहले कहीं दिखाया आपने इलाज? पहले कराया। कहाँ पर? चक्का।
चंडीगढ़ में। अच्छा, तो वहाँ कुछ नहीं हुआ, 5-6 हॉस्पिटल में घुमा। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने घर भेज दिया। अच्छा, बोले अपने आप ठीक हो जाएगा, पता नहीं था कि हाँ भी खराब हो गया अंदर। अच्छा, उसके बाद जलंधर गए, जलंधर में चेक करवाया, उन्होंने मना कर दिया भाई हमारे, फिर आगे आर हॉस्पिटल में। अच्छा, फिर उन्होंने इधर भेजा आरएनएस रोहतक में। तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अब ठीक है, तो इलाज बढ़िया हो गया आपका, खुश है? हां, खुश है। हिमाचल में कहां से हैं आप? हमीरपुर।